नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। CSS की आज की क्लास में हम CSS सेलेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर्स को पढ़ा था कि सेलेक्टर क्या होता है और सेलेक्टर के प्रकार क्या हैं। आज हम इन सभी सेलेक्टर के टाइप में से पहला सेलेक्टर का टाइप पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो आइए शुरू करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के विषय में। सेलेक्टर के विषय में हम पहले ही जानते हैं कि सेलेक्टर उन एलिमेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है, उन HTML एलिमेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है जिनको हम अलग अलग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, अलग अलग स्टाइल देना चाहते हैं। CSS में अलग अलग प्रकार के सेलेक्टर हैं। तो पहला सेलेक्टर यूनिवर्सल सेलेक्टर है। यूनिवर्सल को अगर हिंदी में हम जाने तो यूनिवर्सल सार्वभौमिक या सर्वव्यापी कहा जाता है। मतलब यूनिवर्सल शब्द का मतलब है कि वो सेलेक्टर जो कि HTML के सभी एलिमेंट पर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर एस्ट्रिक सिंबल के साथ एस्ट्रिक सिंबल के रूप में डिफाइन किया जाता है और पेज पर मौजूद सभी HTML एलिमेंट पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, जिस उदाहरण में हम आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर के विषय में समझा रहे हैं। हमने यहाँ पर CSS के तीन टाइप में से दूसरे टाइप को प्रयोग किया है, इंटरनल CSS। हमने CSS के तीन प्रकार पढ़े थे, जिसमें इनलाइन CSS है, मीन्स CSS के जो भी स्टाइल है या जो भी फॉर्मेटिंग है वो हम अपने HTML टैग में ही डिफाइन कर देते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है इंटरनल, जो कि हम हेड सेक्शन में डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पर CSS के दूसरे टाइप को, इंटरनल को प्रयोग किया है, हेड सेक्शन में इसकी फॉर्मेटिंग को डिफाइन किया है। एस्ट्रिक का सिंबल प्रयोग किया है, मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर बना रहे हैं, एक ऐसा सेलेक्टर जिसका प्रभाव डिफाइन किए गए सभी HTML एलिमेंट पर पड़ेगा। तो CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर में कलर हमने फॉर्मेटिंग के लिए ब्लू दिया है, टेक्स्ट का कलर ब्लू है। अलाइनमेंट सेंटर रखा है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल का दिया गया है और बैकग्राउंड कलर येलो दिया गया है। तो यहाँ पर मैं लिखा है, डिफाइंड फॉर्मेटिंग विल इफेक्ट टू ऑल एलिमेंट्स गिवन इन बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में जो भी डिफाइन किया गया है सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। स्टाइल और हेड सेक्शन को बंद करने के बाद में बॉडी में हमने H2 से एक हेडिंग डिफाइन की है और तीन पैराग्राफ P से डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पर स्टार यूनिवर्सल सेलेक्टर की मदद से जो भी फॉर्मेटिंग डिफाइन की गई है उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, आइए इसको प्रोग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। हम यहाँ पर इस कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको HTML फाइल में पेस्ट कर देते हैं और आपको इसका प्रभाव दिखाते हैं, जिससे कि आप इसको समझ पाएंगे। हम यहाँ पे नोटपैड फाइल को ओपन कर लेंगे और इस कोड को एडिट मेन्यू में जाकर हम पेस्ट कर देंगे। ये कोड सारा यहाँ पर आ गया है, हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद नाम दे देंगे। किस नाम से सेव करना है, हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर के नाम से सेव कर देते हैं। यूनिवर्सल डॉट HTML सेव कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए और अपने वेब पेज को ओपन कीजिए। राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद वेब ब्राउज़र का नाम। आप देखेंगे कि हमारे यूनिवर्सल सेलेक्टर का प्रभाव सभी एलिमेंट पर पड़ रहा है। देखिए H2 पर भी पड़ रहा है, ये H2 हेडिंग है, और तीनों P पैराग्राफ पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अलाइनमेंट सेंटर दिया है तो मिडिल में आ रहा है। कलर ब्लू दिया है तो ब्लू के साथ आ रहा है, और हमने फॉन्ट साइज 20 पिक्सल का दिया है तो वो आ रहा है। अगर हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहें तो हम 40 की जगह 20 की जगह 40 पिक्सल डिफाइन कर देते हैं। इसको सेव कर दीजिए और यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करके देखिए तो यहाँ पे 20 से 40 पिक्सल का साइज इंक्रीज हो गया है। और अगर हम बैकग्राउंड का कलर बदलना चाहते हैं, लाइट येलो करना चाहते हैं, सेव कर दीजिए और यहाँ पर इसका प्रभाव आप देखेंगे तो चेंज हो गया है। इस प्रकार यूनिवर्सल सेलेक्टर सभी पे अलग अलग इफेक्ट दिखाएगा। हम यहाँ पे H1 डिफाइन कर देते हैं
और H1 में भी हम इसका प्रभाव आसानी से देख सकते हैं। H1 दिया है और H1 में हमने दिया है यूनिवर्सल सेलेक्टर। सेव कर दीजिए H1 से इसको, यहाँ पर H1 क्लोज कीजिए, सेव कीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार यूनिवर्सल सेलेक्टर अपना प्रभाव दिखाता है और एक ही फॉर्मेटिंग को अलग अलग HTML एलिमेंट में प्रयोग करने में मदद करता है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और ID सेलेक्टर को डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट सेलेक्टर है। तो बने रहिएगा हमारी अगली वीडियो के साथ में, और अगर ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।